नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 10 वर्ब्स पार्ट 1। वर्ब्स, ये चैप्टर हमारे लिए नया है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू लर्न अवर ग्रामर एक्सरसाइज। ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कम फ्रॉम बेस वर्ब्स। जो सारे जो वर्ब के फॉर्म आते हैं वो बेस वर्ब्स से आते हैं। अ बेस वर्ब इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी स्पेशल एंडिंग। बेस वर्ब किसे कहते हैं? एग्जाम्पल, रीड, डांस, ट्रैवल, प्ले, ईट, वॉश, राइट, मूव एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेक एक्शंस व्हिच शो दैट समवन और समथिंग डज। ये सारे एक्शन कौन करता है? रीड कौन करेगा? हम। डांस, कोई लड़का या लड़की। ट्रैवल, सारे पीपल कर सकते हैं। ओके, प्ले कौन करता है? चिल्ड्रन, बच्चे खेलते हैं ना। यस। ईट, खाता कौन है? सब लोग। वॉश, कौन कपड़े धोता है? मम्मी, राइट। लिखता कौन है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट वन इज मूव। सो हियर यू कैन सी दैट दिस पोएट्स ऑल सजेस्टेड दैट वर्ब्स। नाउ दिस इज अवर ग्रामर बुक। ओपन इट ऑन द पेज नंबर 43। रीड द फॉलोइंग पैसेज अबाउट द मून। पे अटेंशन टू द हाईलाइटेड वर्ड्स। वॉट द मून इज? द मून इज अ सैटेलाइट। हियर यू कैन सी दैट द वर्ड इज। सर्कल इट। इट ट्रैवल्स अराउंड द अर्थ। इट मीन्स वॉट? आगे हमें चैप्टर आ गया, राइट? इट मतलब क्या है? प्रोनाउन। ओके, ट्रैवल्स, अंडरलाइन इट। जस्ट एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स, अंडरलाइन इट। फ्रॉम योर विंडो द मून लुक्स वेरी स्मॉल, लुक्स के नीचे अंडरलाइन। बट इट इज एक्चुअली क्वाइट बिग। इट मीन्स प्रोनाउंस। इज, सर्कल इट। इज के ऊपर सर्कल कर दो। इट हैज अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर। इट मीन्स प्रोनाउंस। हैज के ऊपर सर्कल करो, सर्कल इट। द मून हैज अ लॉट ऑफ क्रेटर्स एंड पीक्स। हैज, फिर से आया, सर्कल इट। वी ओनली सी द मून ड्यूरिंग द नाइट। वी मीन्स प्रोनाउंस। सी, एस डबल ई, उसके नीचे अंडरलाइन। ड्यूरिंग द डे इट इज हाइडन बाय द लाइट ऑफ द सन। इट, फिर से प्रोनाउंस, इज, सर्कल इट, हाइडन, अंडरलाइन। ओके, तो यहां पे मैडम ने इज, हैज, इज, हैज, फोर सर्कल कर। ये सारे होंगे स्टेट वर्ब्स। एंड ऊपर से हम चेक करते हैं, ट्रैवल्स, मूव्स, लुक्स, सी एंड हाइडन, ये सारे होंगे एक्शन वर्ब, राइट? यहाँ पे हमने देखा ना, रीड, डांस, ट्रैवल, प्ले, ईट, वॉश, राइट एंड मूव। तो ये सारे हम एक्शन करते हैं, इसलिए एक्शन वर्ब बोलेंगे। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट टू एमसीक्यूज आर गिवन इन अवर ग्रामर बुक। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज वर्ड्स लाइक ट्रैवल्स, मूव्स, लुक्स, शी, इज, हैज, आर, ये सब क्या है? वर्ब्स, राइट? नंबर टू,
वर्ब्स कैन ओनली डिस्क्राइब एक्शन. क्या ये जो वर्ब्स है वो सिर्फ एक्शन डिस्क्राइब करते हैं? नो. इज और हैज है वो स्टेट वर्ब है लेकिन वो एक्शन डिस्क्राइब नहीं करते. राइट. सो द आंसर इज फॉल्स. टर्न द पेज. ऑन द पेज नंबर 44. नंबर 1. अ वर्ब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वर्ब है वो सेंटेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है. वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. हम वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बना नहीं सकते. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट वर्ब डिस्क्राइब व्हाट समथिंग और समबडी इज डूइंग. सब लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन कौन सी कर रहे हैं, वो जो वर्ड हम फाइंड आउट करेंगे उसे वर्ब बोलेंगे. डूइंग वर्ड्स इट मीन्स वर्ब्स कैन डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्शन. हम मूवमेंट करते हैं ना, राइट, उसको फिजिकल एक्शन कहते हैं. फिजिकल एक्शन. टू एग्जाम्पल आर गिवन. द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ एंड सेकंड वन द अर्थ मूव्स अराउंड सन. ट्रेवल्स एंड मूव्स टू वर्ड्स आर फिजिकल एक्शन. ओके. नंबर टू. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. आगे हमने जो दो एग्जाम्पल देखे वो फिजिकल एक्शन थे, ट्रैवल करने का या तो फिर मूव्स. ओके. नेक्स्ट वन इज द मून इज अ सैटेलाइट. इट हैज अ डायमीटर ऑफ 3476 किलोमीटर्स. राइट. सो हियर यू कैन सी दैट इज एंड हैज आर वर्ब्स. ओके. इज एंड हैव आर ऑल्सो वर्ब्स. इज टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. That is the state of the person or the thing. आगे हमने जो देखे ये सारे verbs. Read, dance, travel, play, eat, wash, write and move. ये सारे action verb है, right? और जो अभी देखे हमने वो is and has. वो कौन से verb होंगे? State verbs. Next one is सिमिलरली हैज डिनोट्स बिलोंगिंग. डिनोट्स बिलोंगिंग का मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स यहां पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूं. आई हैव अ बुक. तो है मेरे पास बुक है. ओके. ही हैज अ बुक. उसके पास बुक है. राइट. वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज इज और हैज. उसको वर्ब कहते हैं. राइट. हियर आर सम एग्जांपल ऑफ टू बी और स्टेट वर्ब्स. ये सारे हमें एक्शन वर्ब देखे ना. अभी यहां पे एग्जांपल दिए गए हैं टू बी और स्टेट वर्ब्स के. इज आर एम. हम क्या बोलते हैं? एम इज आर, वॉज देयर और विल बी. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिलोंगिंग वर्ब्स हैव, हैज एंड हैड. सो हियर यू कैन सी दैट थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट वन इज एक्शन वर्ब. ये सारे हमने देखे. फिर से एक बार रिपीट करते हैं. रीड, डांस, ट्रैवल, प्ले, ईट, वॉश, राइट एंड मूव. ओके. नेक्स्ट वन इज स्टेट वर्ब्स. सेकंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स. एम इज आर, वॉज वेर एंड विल बी. थर्ड वन इज बिलोंगिंग वर्ब्स. बिलोंगिंग वर्ब्स मीन्स हैव, हैज एंड हैड. सो वन टेबल इज गिवन इन अवर बुक ऑन द पेज नंबर 44 इन ब्लू कलर. टू शो बिलोंगिंग इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में कुछ हमें शो करना है तो हैज एंड हैव. बट टू शो बिलोंगिंग इन द पास्ट. अगर पास्ट में कुछ हमें एग्जाम्पल देने हैं तो हैव, हैज की जगह पे क्या यूज होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों का हैड. ओके. सो हियर यू कैन सी दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन हैड कंप्लीटेड
After completing that, we will going to learn exercise A. Look at the following sentences. What do the underlined verbs describe? Write PA for physical action. अगर सेंटेंस फिजिकल एक्शन का होगा तो हम PA लिखेंगे. ST for state. अगर वर्ब स्टेट होंगे, स्टेट वर्ब्स, तो हम ST लिखेंगे. एंड B फॉर बिलोंगिंग. और जो थ्री वर्ड्स हमने देखे ना, थ्री वर्ब हैव, हैज एंड हैड, तो उसके लिए हम B लिखेंगे. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए डन करके दिया है. सो फर्स्ट वन इज टॉम एंड जेरी इज अ टेलीविजन कार्टून सीरीज. सो हियर यू कैन सी दैट अंडरलाइन वर्ड इज. सो द आंसर इज ST, स्टेट. ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर टू. टॉम अट्रैक्ट्स जेरी. सो अट्रैक्ट्स, यस, फिजिकल एक्शन. सो फिजिकल एक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे सेकंड नंबर पे? PA. ओके, नंबर थ्री. जेरी लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट विथ ग्रेट एज. लिफ्ट्स क्या आएगा फिर से? यस, फिजिकल एक्शन. सो द आंसर इज PA. नंबर फोर. जेरी इज द विनर मोस्टली. फर्स्ट सेंटेंस टॉम एंड जेरी इज अ टेलीविजन कार्टून सीरीज. सो इज में हमने आंसर क्या लिखा था? ST, स्टेट. तो फिर से फोर्थ सेंटेंस में इज आया, तो फोर्थ सेंटेंस का आंसर क्या लिखेंगे हम? ST, स्टेट. नंबर फाइव. दे हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप. उनका एक स्पेशल रिश्ता है. मतलब क्या आएगा? Have, has, had. कौन से वर्ब है? Yes, belonging verb, right? So the answer is B. Next and last one is the show is quite popular. फिर से M is R. It means state. ST. So here you can see that exercise A had completed, and also chapter number train verbs part 1 had completed. Thank you for joining us.